हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सत्य विजय। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम का लेक्चर 12 है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे SSBSC मॉड्यूलेशन के बारे में। इसके प्रीवियस लेक्चर्स आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन थ्योरी लेक्चर्स के अलावा आप हमारी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SSBSC मॉड्यूलेशन, यानी सिंगल साइगमेंट सप्रेस्ड कैरियर के बारे में। इसके प्रीवियस में हम लोगों ने डिस्कस किया था AM मॉड्यूलेशन और DSBSC मॉड्यूलेशन के बारे में। तो AM मॉड्यूलेशन का जब हमने स्पेक्ट्रम प्लॉट किया था, तो वहां पे हमने देखा था कि एक कैरियर सिग्नल था और अपर साइड बैंड था और लोअर साइड बैंड था। तो आपकी जो टोटल पावर थी वो कैरियर सिग्नल में ट्रांसमिट हो रही थी और अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड में ट्रांसमिट हो रही थी। और जो बैंडविड्थ थी वो थी 2 × मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा थी और पावर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था DSBSC मॉड्यूलेशन। तो DSBSC में क्या था, हमने जो कैरियर सिग्नल था उसको सप्रेस्ड कर दिया था, मतलब डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। कैरियर को हमने सप्रेस्ड किया था और जो आपके अपर साइड बैंड है और लोअर साइड बैंड है केवल उनको ट्रांसमिट किया था। तो उसमें क्या हो रहा था, जो आपकी ट्रांसमिटर की पावर थी वो सेव हो रही थी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा पावर आपकी कैरियर सिग्नल को ट्रांसमिट करने में वेस्ट हो रही थी AM मॉड्यूलेशन में, वो हमने DSBSC में सेव कर ली। लेकिन यहाँ पर जो बैंडविड्थ थी वो हमें सेम मिल रही है जो कि AM मॉड्यूलेशन की बैंडविड्थ थी, यानी कि 2 × मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। तो पावर तो हमने सेव कर ली, लेकिन बैंडविड्थ हमने सेव नहीं की। अब हम यहाँ पे बात करेंगे SSBSC मॉड्यूलेशन के बारे में। तो SSBSC मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे, केवल एक ही साइड बैंड को ट्रांसमिट करेंगे, या तो अपर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा या लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा, जिससे आपका क्या होगा, पावर भी बच जाएगी और यहाँ पर जो बैंडविड्थ होगी उसको ट्रांसमिट करने में वो भी कम लगेगी। तो इसके बारे में हम डिटेल से यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं AM, DSBSC और SSBSC के बारे में। तो AM में हमने देखा था कि हमारा मैसेज सिग्नल MF, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म था मैसेज सिग्नल का, कुछ इस तरीके से अगर हमारे पास है तो इसका स्पेक्ट्रम हमें कुछ इस तरीके से मिल रहा था। ये जो मैसेज सिग्नल था ये आपका -FC और +FC पे शिफ्ट हो रहा था। इसका जो जनरल एक्सप्रेशन था वो था AC ब्रैकेट 1 प्लस KAMT cos 2π FCT। इसको हम जनरलाइज करके लिख सकते हैं S ऑफ AMT इक्वल टू AC cos 2π FCT प्लस AC mu by 2 cos 2π FC प्लस FMT प्लस AC mu by 2 cos 2π FC माइनस FMT। तो ये जो आपका था, ये था आपका कैरियर सिग्नल, ये था आपका अपर साइड बैंड और ये था आपका लोअर साइड बैंड। तो AM में आपके तीनों ट्रांसमिट हो रहे थे। अब हम बात करते हैं DSBSC की। तो DSBSC में आपका ये जो मैसेज सिग्नल था ये आपका शिफ्ट हो रहा था FC और -FC पे। तो इसमें ये था आपका अपर साइड बैंड, ये लोअर साइड बैंड, ये फिर अपर साइड बैंड और ये लोअर साइड बैंड। तो इसमें आपके अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड बस ट्रांसमिट हो रहे थे और जो कैरियर में एक्स्ट्रा पावर आपका वेस्ट हो रहा था वो इसमें सेव हो गया। अब यहाँ पे अगर हम बैंडविड्थ की बात करें तो बैंडविड्थ इसमें भी आपकी कितनी थी, 2 ओमेगा, मतलब 2 × मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ। और सेम बैंडविड्थ इसमें भी है DSBSC में, 2 ओमेगा, केवल पावर आपका इसमें सेव हो गया है। DSBSC का जो जनरल एक्सप्रेशन था वो था ACMT cos 2π FCT। इसका जनरलाइज एक्सप्रेशन हमने कुछ इस तरीके से निकाला था ACAM by 2 cos 2π FC plus FMT plus ACAM by 2 cos 2π FC minus FMT। ये देखिए आपका FC plus FM है तो ये हो जाएगा अपर साइड बैंड, ये FC minus FM है तो ये हो जाएगा लोअर साइड बैंड। तो ये तो बात हुई आपकी DSBSC की, जहां पे हमने कैरियर का जो एडिशनल पावर वेस्ट हो रहा था उसको सेव कर लिया। लेकिन बैंडविड्थ हमें सेम लगेगी AM और DSBSC में, जो कि होगी 2 × मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ के इक्वल। अब यहाँ पे हम बात करेंगे SSBSC मॉड्यूलेशन की। तो SSBSC मॉड्यूलेशन में हमें क्या कुछ एडवांटेज मिलेंगे ये हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। SSBSC मॉड्यूलेशन का जो जनरल स्पेक्ट्रम है वो कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि मान के चलिए ये हमारे पास एक मैसेज सिग्नल है, मैसेज सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म है M of F, ये -ओमेगा से +ओमेगा तक।
इसको अगर हम SSB ऐसे मॉड्यूलेट करेंगे तो इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। इसमें क्या हो रहा है आपका, ये देखिए एक टाइम पे केवल एक ही साइड बैंड आपका ट्रांसमिट होगा, या तो अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड। तो ये देखिए ये है आपका अपर साइड बैंड और ये है लोअर साइड बैंड। तो पहले हम मान के चलते हैं इसका अपर साइड बैंड ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये जो सिग्नल है ये हमें दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ये शिफ्ट हो जाएगा FC पे और -FC पे। केवल इसके अपर साइड बैंड की बात हो रही है क्योंकि सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, मतलब कैरियर इसमें आपका सप्रेस्ड है और केवल एक ही साइड बैंड ट्रांसमिट होगा। तो ये हो जाएगा आपका अपर साइड बैंड और ये नेगेटिव साइड में भी अपर साइड बैंड, एक टाइम पे इसमें केवल अपर साइड बैंड ही ट्रांसमिट हो रहा है। अब दूसरी कंडीशन की बात करें, या तो ये केस आपका हो सकता है या केवल आपका लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा। तो लोअर साइड बैंड में आपका क्या होगा, ये हो जाएगा FC, ये FC माइनस ओमेगा और ये -FC और ये -FC प्लस ओमेगा। तो ये हो जाएगा आपका लोअर साइड बैंड और ये भी हो जाएगा लोअर साइड बैंड। तो SSB SC में आपका क्या हो रहा है, एक टाइम पे या तो अपर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा या लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा, दोनों साइड बैंड आपके एक साथ ट्रांसमिट नहीं होंगे। अब इसका एडवांटेज हमें क्या होगा, इसमें हम जो बैंडविड्थ है उसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बैंडविड्थ कितनी है, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी। तो FC प्लस ओमेगा माइनस FC करेंगे तो ये आ जाएगी ओमेगा। अब यहाँ पे मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ कितनी है, ओमेगा। तो जितनी बैंडविड्थ आपके मैसेज सिग्नल की है उतनी ही बैंडविड्थ हमें SSB SC मॉड्यूलेशन में भी लगेगी। अगर लोअर साइड बैंड की बात करें तो इसकी भी बैंडविड्थ आप निकाल सकते हैं, हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी, तो ये भी हो जाएगी ओमेगा। मतलब SSB SC में आपका चाहे अपर साइड बैंड ट्रांसमिट हो या लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट हो, आपकी जो बैंडविड्थ है वो होगी मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ के इक्वल। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कंपेयर टू AM और DSB SC। इसमें जो बैंडविड्थ है वो आपकी सेव हो जाती है 50%, क्योंकि AM और DSB SC की जो बैंडविड्थ थी वो 2 ओमेगा थी, इसमें ओमेगा है, तो 50% बैंडविड्थ आपकी इसमें सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे हम SSB SC सिग्नल के जनरल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए हमने DSB SC देखा था, इसमें ये इसका अपर साइड बैंड था, ये इसका लोअर साइड बैंड था। तो SSB SC में क्या होगा, या तो आपका अपर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा या लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा। तो SSB SC का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा AC AM/2 cos 2π FC ± FMT। अब प्लस आपका यहाँ पे डिनोट कर रहा है कब, जब आपका अपर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा, और माइनस आपका जब लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट होगा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है SSB SC का, इसमें केवल एक ही साइड बैंड आपका ट्रांसमिट होगा। अब एक एडवांटेज तो हमने अभी SSB SC मॉड्यूलेशन का देखा कि बैंडविड्थ हमारी 50% सेव हो रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पावर कैलकुलेशन की। टोटल पावर जो है वो आपका जा रहा है साइड बैंड में, साइड बैंड में भी केवल एक साइड बैंड में, या तो अपर साइड बैंड में या लोअर साइड बैंड में। तो टोटल पावर आपकी कितनी हो जाएगी, एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो AC AM/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। तो ये जो आपकी टोटल पावर है SSB SC मॉड्यूलेशन में, ये हो जाएगी AC² AM² / 8R। ये आपकी टोटल पावर होगी SSB SC मॉड्यूलेशन में। वहीं अगर DSB SC मॉड्यूलेशन की बात हम करते तो उसमें आपके दोनों साइड बैंड ट्रांसमिट हो रहे थे, तो उसकी जो पावर थी टोटल पावर वो कितनी थी, ये DSB SC की बात कर रहे हैं, AC² AM² / 4R। तो ये आपका जो टोटल पावर था ये DSB SC में था और ये SSB SC में। तो पावर देखिए आपका सेव हो गया। और इसमें मॉड्यूलेशन इफिशियंसी आपकी क्या होगी, टोटल पावर का कितना परसेंटेज आपका साइड बैंड में ट्रांसमिट हो रहा है। तो जितना आपका टोटल पावर है वो पूरा का पूरा आपका साइड बैंड में ट्रांसमिट हो रहा है, तो मॉड्यूलेशन इफिशियंसी होगी आपकी 100%। वैसे ही DSB SC में भी मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी आपकी 100% थी, क्योंकि जो टोटल पावर था वो आपका दोनों साइड बैंड में ट्रांसमिट हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस की SSB SC मॉड्यूलेशन के बारे में। अब हम इसका जो एक्सप्रेशन है उसको कुछ और जनरलाइज्ड कर लेते हैं। SSB SC मॉड्यूलेशन का जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास था AC AM/2 cos 2π FC ± FMT, अपर साइड बैंड के लिए प्लस और लोअर साइड बैंड के लिए माइनस। इसको हम और यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos A + B का,
या cos a माइनस बी का। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला होता है आपके पास cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है आपके पास cos a cos b प्लस sin a sin b। तो यहां पे हम इसको लिख सकते हैं ac am by 2, ये एजिटेज है, और ये हो जाएगा आपका cos a into cos b, तो cos 2 pi fct into cos 2 pi fmt। अब यहां पे देखिए प्लस था, अगर cos a plus b था तो यहां पे माइनस है, और यहां पे माइनस था तो यहां पे प्लस है, तो यहां पे माइनस हो जाएगा और यहां पे प्लस हो जाएगा, और ac am by 2 ये हो जाएगा sin a into sin b, यानी sin 2 pi fct और sin 2 pi fmt। जस्ट ये फार्मूला हमने यहां पे अप्लाई किया है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम और सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखिए यहां पे am cos 2 pi fmt इसको हम लिख सकते हैं, जो कि हमारा मैसेज सिग्नल था mt। mt हमारे पास क्या था, am cos 2 pi fmt, तो यहां पे हमने mt लिख लिया। और यहां पे देखिए am sin 2 pi fmt है, तो ये इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म आपका क्या होता है, अगर हमारे पास mt कोई मैसेज सिग्नल है और उसका हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास m कैप t, ये होगा इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म बेसिकली आपका होता है पाई बाय 2 फेज शिफ्टर, मतलब जो भी आपका मैसेज सिग्नल है उसको 90 डिग्री से ये फेज शिफ्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। तो हमारे पास जो ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था वो था am cos 2 pi fmt, अब इसको अगर 90 डिग्री से फेज शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा am cos 2 pi fmt minus pi by 2, या इसको हम और लिख सकते हैं am cos 2 pi pi by 2 minus fmt, यानी cos 90 minus theta। अब cos 90 minus theta को हम लिख सकते हैं sin theta, तो ये हो जाएगा आपके पास am sin 2 pi fmt। तो ये हो जाएगा इस मैसेज सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, जिसको हमने pi by 2 से शिफ्ट कर दिया है, तो इसको हम डिनोट करेंगे m cap t से। तो यहां पे हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में थोड़ी और डिटेल से देख लेते हैं, जिससे आपको आगे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म बेसिकली क्या करता है, आपका 90 डिग्री से फेज शिफ्ट कर देता है, जो भी आपका सिग्नल होगा जो आप इनपुट में अप्लाई कर रहे हैं उसके फेस को पूरा 90 डिग्री से शिफ्ट कर देगा। मान के चलिए ये आपका इनपुट में हम अप्लाई कर रहे हैं xt, और इस बॉक्स के अंदर हमारा एक ट्रांसफर फंक्शन है और हमें आउटपुट में मिल रहा है इसका x कैप ऑफ t। तो इस ट्रांसफर फंक्शन की वजह से जो हमारा इनपुट सिग्नल था उसका फेस 90 डिग्री से शिफ्ट हो रहा है, तो ये होगा आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। अब इस बॉक्स के अंदर जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कितना होगा, वो ट्रांसफर फंक्शन आपका टाइम डोमेन के लिए अलग होगा और फ्रीक्वेंसी डोमेन के लिए अलग होगा। तो बेसिकली हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जस्ट आपका इनपुट सिग्नल के फेस को 90 डिग्री से शिफ्ट कर देगा। इसके बारे में हम और डिटेल से देख लेते हैं। एक्स ऑफ टी ये टाइम डोमेन में कोई सिग्नल है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल है। अब हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म समझने के लिए हमें यहाँ पे जरूरी है एक और फंक्शन सिग्नम फंक्शन को समझना। सिग्नम ऑफ टी ये टाइम डोमेन में है, इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 2/j ओमेगा। वैसे ये टॉपिक आपके सिग्नल एंड सिस्टम का है, लेकिन यहाँ पे हम इसको जस्ट एक क्विक रिवाइज के तौर पे देख लेते हैं। तो सिग्नम ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 2/j ओमेगा, और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे 1 और ये -1, ये सिग्नम ऑफ टी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी में आपका क्या होगा, ये देखिए 2/j ओमेगा है, तो ये हो जाएगा 2/j t, यहाँ पे ओमेगा की जगह t हो जाएगा, और यहाँ पे सिग्नम ऑफ t की जगह पे यहाँ पे 2 पाई का मल्टीप्लाई होगा और t की जगह पे -ओमेगा। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। अब इसको जब हम और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हैं और ये बचेगा 1/j t इक्वल टू -पाई सिग्नम ऑफ ओमेगा। यहाँ पे देखिए जो माइनस ओमेगा था इसका जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक ऑड फंक्शन है, सिग्नम ऑफ टी आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, तो सिग्नम माइनस ऑफ ओमेगा हो जाएगा आपका सिग्नम ऑफ ओमेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे ओमेगा लिखा हुआ है। अब ये पाई हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और ये जे आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/π t
इक्वल टू माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा। अब ये आ गया आपके पास हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का ट्रांसफर फंक्शन, जो कि हमने इस बॉक्स के थ्रू डिस्कस किया हुआ था। इस बॉक्स के अंदर क्या होगा आपका, या तो 1 अपॉन पाई टी होगा अगर हम टाइम डोमेन की बात करें, या माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा होगा, तब जाके आपको इस इनपुट सिग्नल का यहाँ पे हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हमारे पास टाइम डोमेन है तो टाइम डोमेन में इस बॉक्स के अंदर जो ट्रांसफर फंक्शन होगा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कराने के लिए, वो होगा 1 अपॉन पाई टी। तो इनपुट्स में हम एक्स टी अप्लाई करेंगे तो हमें उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। कैसे, ये इस इनपुट सिग्नल का इस ट्रांसफर फंक्शन के साथ कन्वोल्यूजन होगा, तो यहाँ पे हमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा इस सिग्नल का। फ्रिक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, इसका ट्रांसफर फंक्शन होगा माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पे हम जो भी इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे उसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और हमें यहाँ पे इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। यहाँ पे टाइम डोमेन में कन्वोल्यूजन होगा और फ्रिक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लिकेशन होगा। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं सिग्नल एंड सिस्टम में, आपने इनको पढ़ा होगा। अब यहाँ पे हम इसको इसके फेज स्पेक्ट्रम से भी देख लेते हैं। ये देखिए सिग्नम ऑफ टी को हमने प्लॉट किया था, ये सिग्नम ऑफ ओमेगा आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और अगर हम इसको प्लॉट करना चाहें माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा, तो माइनस जे का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो माइनस जे का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो ये हो जाएगा आपका सीधा माइनस जे पे शिफ्ट। और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा माइनस जे का, तो ये हो जाएगा आपका प्लस जे पे शिफ्ट, तो ये हो जाएगा प्लस जे पे शिफ्ट और ये माइनस जे पे शिफ्ट। तो ये हो जाएगा आपका फेज स्पेक्ट्रम इस माइनस जे सिग्नम ऑफ ओमेगा का। अब यहाँ पे हम एक चीज और देख सकते हैं, हम जानते हैं e टू दी पावर जे थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अगर थीटा की जगह पे पाई बाई टू हम लिखें तो e टू दी पावर जे पाई बाई टू हो जाएगा कॉस पाई बाई टू प्लस जे साइन पाई बाई टू। इसको हम और सॉल्व करके लिख सकते हैं, e टू दी पावर जे पाई बाई टू हो जाएगा आपका, ये कॉस 90 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और साइन 90 की वैल्यू 1। तो e टू दी पावर जे पाई बाई टू को हम लिख सकते हैं प्लस जे, और e टू दी पावर माइनस जे पाई बाई टू को हम लिख सकते हैं माइनस जे। तो इसको हम लिख सकते हैं जे की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे कितना पाई बाई टू, और माइनस जे की जगह पे हो जाएगा माइनस पाई बाई टू। ये देखिए, तो इसको हम और जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस जे या e टू दी पावर माइनस जे पाई बाई टू, कब, जब ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है और ये ओमेगा की वैल्यू लेस देन 0 है। तो जब ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तब जो आपका फेज शिफ्ट है वो हो जाएगा माइनस पाई बाई टू से, और जब ओमेगा की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब जो आपका फेज शिफ्ट है वो हो जाएगा पाई बाई टू से। तो ये पूरी बात हुई आपकी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के बारे में। तो सिंपल एक कंक्लूजन आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें आप अगर याद ना भी रखें तो कोई बात नहीं, अगर आपकी फ्रिक्वेंसी या ओमेगा आपका 0 से ग्रेटर है तो सिग्नल का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए आपको उसमें माइनस पाई बाई टू ऐड करना होगा। अगर आपका ओमेगा 0 से कम है या नेगेटिव में है तो उसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हमें इसमें पाई बाई टू ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हम मान के चलते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ ओमेगा, इसका हमें हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा आपका क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ओमेगा माइनस पाई बाई टू। देखिए क्योंकि यहाँ पे ओमेगा आपका पॉजिटिव साइड है तो यहाँ पे पाई बाई टू इससे माइनस करना होगा, तो हमें इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा जो कि होगा एक्स कैप ऑफ ओमेगा। वहीं पे अगर आपका ओमेगा नेगेटिव में है यानी एक्स ऑफ माइनस ओमेगा है तो इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स ऑफ ओमेगा सॉरी माइनस ओमेगा प्लस पाई बाई टू, क्योंकि जब देखिए ये माइनस साइड में है तब इसमें पाई बाई टू ऐड होगा और जब ये प्लस साइड में है तब उसमें से पाई बाई टू माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एक्स कैप ऑफ ओमेगा। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। बेसिकली यहाँ पर जो ओमेगा है या जो फ्रिक्वेंसी है वो पॉजिटिव में होगी, तो जनरली आपको यहाँ पर माइनस पाई बाई टू से इसको डिले करना है। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जितना मैंने आपको ये कंक्लूजन बताया कम से कम इतना तो आपको याद रखना है। अब हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म हमने क्या देखा है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म डिले द फेज ऑफ ईच स्पेक्ट्रल कंपोनेंट बाई पाई बाई टू विदाउट चेंज इन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं करेगा, केवल फेज को पाई बाई टू से शिफ्ट कर देगा। और अगर जनरल केस की हम बात करें तो यहाँ पे हम केवल पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी ओमेगा कंसिडर करते हैं।
जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, मैसे सिग्नल हमारे पास है एम टी ए एम कॉस ओमेगा टी। अब हमें इसका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे देखिए ओमेगा आपका क्या है, ओमेगा ग्रेटर देन जीरो है, तो ओमेगा में से हम माइनस पाई बाई टू माइनस करेंगे, तो ए एम कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए एम कॉस पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है, कॉस ऑफ माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा माइनस बाहर निकालने से, और ये हो जाएगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म एम कैप ऑफ टी ए एम साइन ओमेगा टी, किसका, इस ए एम कॉस ओमेगा टी का हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। तो ये आपको याद रखना है, जो कि हमने अभी SSBSC में यूज किया था, तो ये हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म का बेसिक्स आपको याद रखना है, ये डिटेल में आप सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ेंगे। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, ये सिग्नल था आपका ए एम साइन 2πfmt, ये आपका हो जाएगा हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ जो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था, ये हमने डिटेल से देख ही लिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SSBSC के जनरेशन और डिमॉड्यूलेशन की मेथड के बारे में। तो अगर आप लोगों ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो उसको आप प्रेस जरूर कीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।